नहीं, मैं हूँ ज्यादातर, और इस टाइम मैं खड़ा हूँ इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के बिल्कुल ऊपर। ये एक ऐसा मसला था जो कि यहाँ के रहने वालों का अशरों से जो मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है, यानी कि फ्लाईओवर जो है वो चल गया है। और ये ना सिर्फ गुजरांवाला से आने वाली ट्रैफिक के लिए आसानी है, बल्कि यहाँ से मुश्किल हैं वो भी हल हो गई है। आप देख सकते हैं कि नीचे ये यहाँ पर घंटों ट्रैफिक जो है वो, अब यहाँ इक्का दुक्का जो है वो रिक्शा वगैरह जो कि सिर्फ लोकल ट्रैफिक है वो है, जबकि बड़ी ट्रैफिक गाड़ियाँ बसें कारें वो सारी इस ओवर हेड से जा रही हैं। ये फ्लाई ओवर पाकिस्तान का पहला फ्लाई ओवर है जो कि चार लेन पर बना है, यानी इतना चौड़ा पुल जिस पर चार गाड़ियाँ अपने अपने ट्रैक पे इकट्ठी जा सकती हैं, ये वो फ्लाई ओवर है। और इसकी लंबाई तकरीबन 850 मीटर है, यानी एक किलोमीटर के करीब करीब ये लंबा फ्लाई ओवर बना है, जो कि गुजरांवाला यानी जी टी रोड पे आने गुजरांवाला जाने के लिए और उस साइड से लाहौर जाने के लिए ट्रैफिक के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा कर रहा है। इससे पहले यहाँ पे जेंटो ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, रुकी रहती थी एम्बुलेंसेज, हत्या की एम्बुलेंसेज रुकी रहती थी, कई मरीज यहाँ पे जो है वो अपनी जान की बाजी सिर्फ इसलिए हार गए कि ट्रैफिक रुकी रहती थी। और आए दिन फाटक जो कि रेलवे का उस पर भी हादसा होते रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला जो कि यहाँ के लोकल सियासतदानों ने वो किसी भी पार्टी से थे वो गाहे बगाहे जो है वो समझाते रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मामला जो है इस इलाके का इशारा का लाहौर का गुजरांवाला का ये हाल हो गया है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो किसी को राजस्थान पेश किया जा सकता है वो यहाँ के MLA हैं राणा तकलीफ साहब, और उन्हीं के हाथ से खुशकिस्मती है कि उन्हीं कोशिशों से ये मसला जो है उजागर हुआ, फिर बना और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के हाथों से इसका इफ्तिताह हो गया और ये आसानियाँ बांटने में उनका एक हिस्सा है, जो कि हमें आइंदा भी आने वाले जो दिनों में सियासतदानों से और यहाँ के अवामी नुमाइंदों से यही तवक्को करनी चाहिए कि वो सियासी मफादात को अलाए दाग रखते हुए अवाम की भलाई के लिए कोशिश करें, और जैसा कि ये एक अमली नमूना है। तो ये जो है ये जो फ्लाई ओवर है ये ना सिर्फ यहाँ की लोकल फिरोजवाला इमामिया कॉलोनी के लोगों के लिए आसानी है, बल्कि दीगर जो लाहौर से जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये आसानियाँ पैदा कर रहा है। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं जो कि मैंने डिटेल वीडियो और इसका व्यू खूबसूरत व्यू जो है वो मैंने साथ अटैच किया है, आप उसे भी देखें और आप भी एंजॉय भी करें, और आइंदा ये जो जी टी रोड है आसानी से इसे इस्तेमाल करें किसी रुकावट के बगैर। अब आप ब्रेक लेस जो है ड्राइविंग करते हुए आप शदारा पहुंचेंगे, और शदारा भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, और कुछ ही दिनों बाद रावी का पुल एक जो है वो भी बन रहा है, उसकी भी गाहे बगाहे हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो वो भी आप देखते रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बार वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे यहाँ रुका हुआ देखा और रुक के इन्होंने मेरे लिए अच्छे ख्याल का इजहार किया, दुआएं दिए, हमारे तरफ से भी इनके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला इन्हें हमेशा कामयाबियाँ दे।
है।